दोस्तों, दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक मुकेश अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बेशक धन कुबेर बनने के लिए पहले धीरूभाई और फिर मुकेश अंबानी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने बेतहाशा पैसे का ये करते क्या है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें। हम दिखाएंगे आपको कैसे उड़ाता है अंबानी परिवार अपनी अरबों की दौलत। दोस्तों, एशिया का सबसे अमीर शख्स और दुनिया की एक पावरफुल पर्सनालिटी, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 53 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 4 लाख करोड़ रुपए। इनके रुतबे का आलम ये है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर फिल्म स्टार, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब मुकेश अंबानी से एक इंटरव्यू में उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछा गया, आपका फेवरेट फूड क्या है, मुकेश अंबानी खाना क्या पसंद करते हैं? हमारा फेवरेट फूड साउथ इंडियन है, इडली सांभर। तो उन्होंने बहुत ही सादगी से इडली सांभर जवाब में कहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सादी पसंद वाला आदमी क्या ही खर्चता होगा, तो हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी खुद पर नहीं बल्कि अपने परिवार पर अपनी अकूत दौलत उड़ाने का कोई भी मौका नहीं गवाते। चाहे वो उनकी पत्नी नीता अंबानी की 220 करोड़ रुपए की बर्थडे पार्टी हो या फिर बेटी ईशा की देश की सबसे लेविश शादी, अपनी पार्टियों पर अंबानी पैसा पानी की तरह बहाते हैं। दोस्तों, नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी तो याद ही होगी आपको। जोधपुर के उम्मेद भवन में सितारों की चकाचौंध के बीच मनाए गए इस 2 दिन के बर्थडे इवेंट में देश विदेश की नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। मुकेश अंबानी ने सिर्फ इस एक पार्टी के लिए 32 चार्टर प्लेन बुक किए थे, जो उनके 300 मेहमानों को जोधपुर लेके गए। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 400 से भी ज्यादा एस क्लास मर्सिडीज की गाड़ियां इन गेस्ट्स के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बुक की गई थी। इस पार्टी की सजावट स्पेशली थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से की गई थी, जो दुनिया के सबसे महंगे फूलों में से एक होते हैं। बच्चों के लिए किडी राइड्स स्पेशली लंदन से मंगवाई गई थी। दोस्तों, इस बर्थडे पार्टी में दुनिया की हर वैरायटी का खाना, रेयर से रेयर और महंगी से महंगी वाइन परोसी गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 220 करोड़ रुपए खर्च करके मनाई गई ये बर्थडे पार्टी दुनिया में आज तक की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी है। अब बात करते हैं मिसेस अंबानी के लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों, बात उनकी पर्सनालिटी की हो या फिर पहनावे की, वो चर्चा का विषय बनी रहती है। इनकी फिटनेस से लेकर साड़ियां, पर्स और ज्वेलरी सब कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते ही हैं। बाकी इनके पास दुनिया के सबसे लग्जूरियस ब्रांड्स के कपड़े और बैग्स हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इनके पास एक साड़ी है जो 40 लाख रुपए की कीमत की है। कई बार जो बैग ये इस्तेमाल करती हैं, वो दुनिया के सबसे महंगे बैग्स में से एक होते हैं, जिन पर गोल्ड और डायमंड लगे होते हैं। इनके ऐसे ही एक खास बैग की कीमत 2.6 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वो अपने घर को भी सजाने के लिए महंगी से महंगी चीजों को खरीदने का शौक रखती हैं, और रखे भी क्यों ना। आखिर वो एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी जो ठहरी, वो चाय भी पीती हैं तो 3 लाख के कप में। दोस्तों, ये कप जापान की क्रॉकरी कंपनी नोरिटाके के होते हैं, जिनके ऊपर गोल्डन कलर का जो काम हुआ होता है, वैसा काम किसी भी और ब्रांड के कप पर देखने को नहीं मिलता। इस कंपनी के 50 कपों का सेट ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है। और ऐसी ना जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल वो करती हैं, जो आप और हमारे जैसी आम जनता तो सोच भी नहीं सकती। नीता अंबानी के पास A319 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है, जो उनके हस्बैंड ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और इस प्लेन की कीमत 230 करोड़ रुपए है। जी हाँ, अब अगर बात करें मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन की, तो उनके पास 168 कार्स हैं, जिसमें बेंटली, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, मेबाक, BMW और एस्टन मार्टिन जैसी कई लग्जरी कार्स उनके कलेक्शन में शामिल हैं। उनकी ये सभी कार्स बुलेट प्रूफ होती हैं, जिस पर गन फायरिंग और ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता, और इसी वजह से इन कारों की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। इन कार्स के अलावा मुकेश अंबानी के पास एक लग्जरी वैनिटी वैन भी है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी को इस वैन को सिर्फ सड़क पर चलाने के लिए ही RTO को लगभग 1.85 करोड़ रुपए का टैक्स भरना पड़ा था, लेकिन ये रकम तो इनके लिए चिल्लर जैसी है। बात मुकेश अंबानी की हो और उनके 5 सितारा घर एंटीला की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये घर 1 बिलियन US डॉलर्स की लागत के साथ दुनिया का सबसे महंगा घर है, और ये मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित है। ये घर कुल मिलाकर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और इस घर में तमाम मॉडर्न लग्जूरियस फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 50 सीट्स वाला थिएटर, योगा स्टूडियो, आइसक्रीम रूम, गार्डन, स्पा, मंदिर और 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल भी। इनके अलावा इस बिल्डिंग में 9 हाई स्पीड लिफ्ट भी लगी हुई है। इस 27 मंजिला बिल्डिंग में कुल मिलाकर 600 नौकर काम करते हैं, जिसमें से कुछ नौकरों की सैलरी तो लाखों में है,
दोस्तों, इस घर की सिर्फ सुरक्षा के लिए ही अंबानी परिवार हर महीने 15 लाख रुपए भरता है। इस आलिशान घर में हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और ये दुनिया का एकमात्र घर है जिसकी छत पे 3-3 हेलीपैड हों। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी भी खूब धूमधाम से करवाई थी और इसमें उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोस्तों, ये शादी दुनिया के सबसे महंगी शादियों में से एक है और ईशा अंबानी ने अपनी शादी में जो ड्रेस पहनी थी वही लगभग 90 करोड़ रुपए की थी क्योंकि उस ड्रेस पर गोल्ड और डायमंड की हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अंबानी परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो वेडिंग कार्ड छपवाए थे उस हर कार्ड की कीमत भी 5 लाख रुपए थी। अमीर होने के साथ साथ अंबानी परिवार का दिल भी उतना ही बड़ा है। अपनी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए समाज के कई हिस्सों में ये अपने सोशल प्रोग्राम्स चलाते हैं। हाल ही में कोरोना से जूझने के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए मोदी जी के फंड में दिए थे। बाकी जियो के बाद तो अब रिलायंस और भी बड़ा होता जा रहा है और इसके कम ही चांसेस हैं कि कोई उनसे एशिया के सबसे अमीर शख्स होने की गद्दी छीन सकेगा। हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने की गद्दी वो जरूर छीन सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी मुकेश अंबानी जितनी दौलत होती तो आप उसे कैसे खर्च करते, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होता। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।